दोस्तों आप सभी का स्वागत है DNS Info पे। दोस्तों आज आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप काशी विद्यापीठ में पढ़ते हैं या फिर आपका कॉलेज काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड है, संबंधित है, तो आज आप सबके लिए दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है। काशी विद्यापीठ ने फाइनली BA, BSc, BCom के सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स को घोषित कर दिया है। यानी कि दोस्तों आप सबका रिजल्ट आ गया है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको आपका रिजल्ट यानी कि आपको अपना रिजल्ट किस प्रकार चेकआउट करना है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ एक चीज़ और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ और भी कोर्सेज के रिजल्ट्स आए हैं जो कि हम आगे आपको बताएंगे। हालांकि दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट मिले। सबसे पहले दोस्तों आज की जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। साफ तौर पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है सत्र 2021-22 की परीक्षा का विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों के अधोलिखित पाठ्यक्रम का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkpac.in पर अपलोड है। ठीक है, तो कौन कौन से कोर्सेज के रिजल्ट्स आ चुके हैं काशी विद्यापीठ ने यहाँ बताया है। ठीक है, BA द्वितीय खंड यानी कि सेकेंड ईयर, BSc सेकेंड ईयर, BSc में आपका मैथ बायो दोनों होगा ध्यान दीजिएगा, BCom सेकेंड ईयर, BMUs का तृतीय खंड यानी कि BMUs थर्ड ईयर और BFA का फोर्थ ईयर और BLIBC का प्रथम सेमेस्टर और BPED का फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप इस कोर्सेज को देख लीजिए, अगर इनमें से कोई भी आपका कोर्स है तो आपका रिजल्ट आ गया है। अब दोस्तों बात यह आती है कि सर हमें ये बता दीजिए कि किस प्रकार हमें अपना रिजल्ट चेकआउट करना है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप अपना रिजल्ट चेकआउट करेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और एक एक स्टेप्स को समझने का प्रयास करिएगा। इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको काशी विद्यापीठ के वेबसाइट पर जाना है। अगर आप देखेंगे तो MGKP जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट शो करेगा और वेबसाइट पे आपको टैप कर देना है। जैसे आप वेबसाइट पे टैप करते हैं काशी विद्यापीठ का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी आगे क्या करना है, मैंने पहले ही आपसे बोल दिया है कि आपको आराम से एक एक स्टेप्स को समझना है। दोस्तों जैसे ही आप वेबसाइट पर टैप करेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने दिख जाएगा। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, आपको नीचे स्क्रॉल करके नीचे आना है। ठीक है, जैसे जैसे आप स्टूडेंट मतलब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टैप कर देना है। ठीक, जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपके सामने कुछ और भी ऑप्शंस दिखेंगे जो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको स्टूडेंट लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने पे किस प्रकार रिजल्ट चेक करना है वो हम आगे आपको अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या किया, आपको क्या क्या फिल करना है ये भी समझ लीजिए। आपको अपना एनरोलमेंट नंबर यानी कि जब भी आपने काशी विद्यापीठ में एडमिशन लिया होगा तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिला होगा। ठीक है, तो एनरोलमेंट नंबर को फिल करना है और जो नीचे का जो बॉक्स है इस बॉक्स में आपको आपका DOB डेट ऑफ बर्थ डालना है और कैप्चा कोड जो ऊपर शो कर रहा है उसको डाल करके लॉगिन करना है। तो हमारे पास एक अभ्यर्थी का यहाँ ID पासवर्ड यानी कि एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड है, उसको डाल करके हम फिल करके दिखाएंगे कि किस प्रकार आपको आपका रिजल्ट चेकआउट करना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे अपना जो है एनरोलमेंट नंबर और यहाँ पे DOB पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डाल करके आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। दोस्तों जैसे ही आप इसको लॉगिन कर लेंगे ये सारे का ये सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल चुके हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल चुके हैं। आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना, देखिए यहाँ पे ये जो 3 डॉट है यहाँ पे टाइप करना। ठीक, आइए मैं टाइप करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे आपने उस पर टैप किया आपके सामने क्या है, डैशबोर्ड है, नीचे फिल बैंक डिटेल है, नीचे स्टूडेंट जो है लीजेंडर है, एकेडमिक रिजल्ट है। ठीक है, जो आपका चौथा ऑप्शन है एकेडमिक रिजल्ट पे आपको टैप करना है, यानी कि दोस्तों आपको एकेडमिक रिजल्ट वाले पे टैप करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपके सामने रिजल्ट आपका खुल जाएगा। ठीक है, और ध्यान से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अगर आप देखेंगे तो चूंकि आपने नोटिस देख लिया है, नोटिस से तो आप श्योर हो गए हैं ना कि रिजल्ट आ गया है, लेकिन हो सकता है कुछ कुछ कॉलेज में लेट वहाँ पे आपके प्रैक्टिकल हुए थे तो इस कारण से आपका रिजल्ट लेट शो करेगा। हो सकता है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, रात को या कल, यानी कि दोस्तों रिजल्ट तो अपलोड हो गया है लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे लोगों का रिजल्ट ओपन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रक्रिया के द्वारा आपको अपना रिजल्ट चेक करना है और आप अपना स्कोर बोर्ड
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितना आपका स्कोर आ रहा है। और दोस्तों जैसे ही आपका रिजल्ट शो होना भी शुरू करेगा हम आपको बता देंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।